हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों, आज का रेसिपी मैं बनाने वाले हूँ दोस्तों, दिल्ली के फेमस मटर के छोले की सब्जी। तो आए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है दोस्तों, ये देखिए मटर वाला छोले, और इसको मैंने पानी में डाल करके रात को ही रख दिया था। मटर अच्छे से फूल गए हैं दोस्तों, और मटर को मैंने धो करके फूलने के लिए दिया था। तो अब इसको हम कुकर में ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है, अब हम कुकर में डाल देते हैं ये मटर वाला छोले। तो यहाँ पर मैं 1 कप मटर पानी में डाल करके भिगो करके रख दी थी रात को ही। तो ये अच्छे से फूल गया है, तो रात भर इसको पूरा टाइम मिलता है दोस्तों, तो अच्छे से मटर फूल जाते हैं पानी में। तो यहाँ पर मैंने मटर डाल दिया है, अब हम डालते हैं यहाँ पर पानी। पानी मैंने यहाँ लोटे में ले लिया है, तो यहाँ पर मटर को अच्छे से डूबने जैसे हम यहाँ पर पानी डालेंगे। तो 1 लोटा मैंने पानी डाल दिया है इसमें। तो अब हम इसमें डाल देते हैं मटर वाला मटर में 1/2 चम्मच नमक, क्योंकि जब हम इसको सीटी लगाएंगे तो अच्छे से मटर अंदर तक गोल हो जाए। अब ढक्कन लगा के गैस पर हम बैठा देते हैं। तो यहाँ पर हम गैस को जला लिए हैं और ढक्कन भी लगा लिया है। तो अब इसको हम गैस पर बैठा दिए हैं दोस्तों, अब सीटी लगने देते हैं। यहाँ पर हम 2 से 3 सीटी लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, 3 सीटी लग गया है, और गैस को मैंने कर दिया है बंद, और इसका गैस सारा निकल गया है। तो अब हम ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं। तो अब ढक्कन हम खोल लेते हैं दोस्तों, और आपको ये मटर वाला छोला दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा से मतलब बॉईल हो गया है, और ये अच्छे से सीज गया है दोस्तों, ये देखिए। तो अब इसको हम साइड में रख देते हैं। और इधर मैंने कढ़ाई रख दिया था गर्म होने के लिए, तो कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं तेल। तो अब हम यहाँ पर सरसों का तेल डाल देते हैं। तो तेल को अब होने देते हैं गर्म। तो तेल यहाँ पर गर्म हो गया है दोस्तों, तो अब यहाँ पर हम डाल देते हैं कुछ खड़ा मसाला। एक दालचीनी लिया है, साबुत जीरा, कुछ काली मिर्च है, एक हरी इलायची, आधा काली वाली चारी इलायची, और यहाँ पर 2 तेज पत्ता है। तो यहाँ पर हम डाल दिए हैं खड़ा मसाला। अब ये हल्का सा चटकने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 प्याज लिया था, जिनको मैंने साफ करके कद्दूकस कर लिया है दोस्तों। आप चाहे तो मिक्सी के जाल में कद्दूकस पीस सकते हैं। तो अब हम प्याज को हल्का सा यहाँ पर भून लेंगे, हल्की गोल्डन ब्राउन हो जाएगी ना इतना। तो प्याज को यहाँ पर हमें चलाते हुए इसको भून लेना है। तो अब हम यहाँ पर डाल देते हैं दोस्तों टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक हमने मटर वाले छोले भी ऐड किया था उबालते समय। तो अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, मैं इसको भी कद्दूकस करके ले ली थी। आप चाहे तो प्याज और लहसुन अदरक इकट्ठे मिक्सी जार में आप पीस करके ले लीजिए। तो यहाँ पर प्याज के साथ ही हम लहसुन अदरक को पेस्ट को हम भून लेंगे, आग को मीडियम ही रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर प्याज और लहसुन अदरक अच्छे से हल्की गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया है दोस्तों। अब इसमें मैं डाल रही हूँ मसाला। मसाला में मैंने लिया यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, और 1/2 चम्मच से हल्का कम गरम मसाला पाउडर, क्योंकि यहाँ पर हमने खड़े मसाले के भी इस्तेमाल किया है, डाला है। तो मसाला यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कम लिया है मैंने, मटर छोले वाला के हिसाब से, मतलब मटर के हिसाब से लिया है, और जितना मटर भिगो रहे हैं उस हिसाब से मैंने यहाँ पर मसाला डाला है। तो मैंने 1 कप मटर लिया था दोस्तों, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर मसाला ऐड किया है। तो अब मसाला को ये प्याज के साथ हम लहसुन अदरक प्याज के साथ भून लेंगे। और अब हम इसमें डाल रही हूँ मैं 2 कटी हुई हरी मिर्च बारीक, और अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 छोटे साइज का टमाटर, जिसको मैंने कद्दूकस अच्छे से कर लिया था। तो इसको भी हम मसाले के साथ ही मतलब भून लेंगे अच्छे से। तो मसाला को मैंने अच्छे से मिला लिया है दोस्तों। अब इसको मीडियम लो आंच में इसको ढक करके 1 से 1.5 मिनट तक हम मसाला को अच्छे से पका लेते हैं, हल्का सा तेल रिलीज करने तक हम पका लेते हैं। और ये मेरी उंगली अभी देख पा रहे होंगे जिसे मैंने कपड़ा बांधा है, अभी मैं तेल की शीशी खोल रही थी दोस्तों, तो चाकू से हाथ कट गया ये देखिए, तो इसलिए खून ज्यादा निकल रहा था। तो मैंने कपड़ा का पट्टी बांधी अभी इमरजेंसी के लिए। तो दोस्तों आप ध्यान से कीजिएगा ऐसा,
लग गया गलती से, मतलब लग गया। तो चलते हैं मसालों को पकने देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट हो गए हैं दोस्तों मसाला को पकाते हुए, और ये देखिए तेल कैसे रिलीज कर दिया है, और मसाला भी मतलब अच्छे से खुशबू आ रही है, मसाला भी पक करके रेडी हो गया है। तो अब हम यहाँ पर आग को थोड़ा सा तेज कर देते हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं मटर वाला छोला। ये मटर वाला जो छोला है दोस्तों कई तरीके से बनता है, चाट भी इसका बनता है, सब्जी भी बनती है। तो यहाँ पर आज मैं सब्जी बना रही हूँ मटर वाले छोले वाला। तो यहाँ पर मैंने मटर के समेत पानी साथ ही डाल दिया सारा कढ़ाई में। अब इसको हम एक बार अच्छे से चला देंगे, और इसको गाढ़ा पतला मतलब जिस तरीके से आप ग्रेवी चाहते हैं उस तरह से यहाँ पर पानी डाल लीजिए। तो अभी यहाँ पर मैंने कोई पानी वगैरह नहीं डाला है, जो मैंने मटर वाले छोले बॉईल किए थे ना वही पानी इसमें ऐड किया है। तो इसको अब हम क्या करते हैं, आज को थोड़ा सा कर देते हैं मीडियम लो में, और इसमें पानी हम नहीं ऐड करेंगे, बस इतना पानी से हो जाएगा चार जने के लिए ग्रेवी ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए अब इसको मीडियम लो आंच में हम 3 से 4 मिनट तक और ढक करके हम पका लेंगे। तो यहाँ पर अब हम ढक देते हैं इसको। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गए हैं दोस्तों मटर छोले को पकते हुए। तो ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो ग्रेवी हमें जैसा चाहिए दोस्तों वैसा ही है। तो यहाँ पर अब हम गैस को कर देते हैं बंद, और साथ में यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्ची लिया था इस तरीके से बीच में कट करके, इसको डाल देते हैं। और यहाँ पर मैंने फ्रेश हरा धनिया कट कर लिया था, इसको भी डाल देते हैं। और इसको आपको सर्व करके दिखाते हैं दोस्तों। तो सब्जी हमारी बन करके रेडी हो गया है। तो मेरी ये रेसिपी दोस्तों दिल्ली का फेमस मटर वाला छोले बन करके रेडी हो गया दोस्तों। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों कि हर रोज मेरे नई रेसिपी आप तक पहुंच जाए दोस्तों। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।